कन्नौज पुलिस ने लंबे समय से सिरदर्द बने राहुल उर्फ रौला गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने तीनों के कब्जे से तमंचे और कारतूस भी बरामद किए। पकड़ा गया गैंग मोबाइल टावरों से रंगदारी वसूलता था और कुछ दिन पहले एक भाजपा नेता को रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। पुलिस पकड़े गए बदमाशों के तीन और साथियों की तलाश में जुटी है। जनपद कन्नौज के थाना सौरी क्षेत्र में पिछले दिनों दो घटनाएं सामने आई थी। एक घटना थी जो मोबाइल टावर है उनसे रंगदारी मांगने का प्रयास हुआ था और इसके अलावा एक जिला पंचायत सदस्य को जान से मारने का प्रयास हुआ था। इन दोनों ही घटनाओं में जो गैंग था पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। इस गैंग का सरगना राहुल यादव है जो एक हिस्ट्री शीटर है और थाने का टॉप 10 अपराधी भी है। इसके दो साथी प्रमोद कुमार और पवन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। ये परावर के पास एक जो टावर है वहाँ के बगल में छुपे हुए थे और पुनः ये अपराध करने के ताक में थे। इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से दो अवैध तमंचे मिले हैं। इसके अलावा जो भी इस गैंग के अन्य जो वांछित हैं उनमें मोहित यादव, सौरभ और अनु शर्मा का नाम बताया जा रहा है। शीघ्र ही इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, अब तक कितने लोगों से रंगदारी मांगने के सामने आया था? ये जानकारी आई थी कि ये जो मोबाइल टावर होते हैं ये इन्हीं से जो है डीजल के रूप में रंगदारी मांगते थे। अभी ये इस बात सामने आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।